Hi friends, welcome to Simple Living, Wise Thinking, and in this video, मैं अपना पूरा weekend आप सबके साथ share करूँगी. Friends, welcome back. So आज का vlog मैं हिंदी में करूँगी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने हिंदी पे कोई भी vlog नहीं किया and many of you were requesting me कि पायल हिंदी में vlog बनाओ, जो मैं भूल ही गई थी कि मुझे एक vlog तो मैं हर वक्त हिंदी में बनाती हूँ. तो आज सैटरडे है और अभी मेरे हबी राय को उसके सारे एक्टिविटीज पे लेके गए हैं और मैं खाना बना रही हूँ. और कल हम लोग आते आते इट वॉज सो लेट और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दैट आई एम वेयरिंग स्वेटर क्योंकि अभी भी ठंडा है. पता नहीं, होपफुली नेक्स्ट वीक जब वो लोग आएंगे तब वेदर अच्छा हो क्योंकि वो लोग घूमने आ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी आता है तो लाइक न्यूयॉर्क में वो लोग लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो देखने जाते ही. तो नहीं, अभी मैं दाल बना रही हूँ राय के लिए और फिर मैं सोच रही हूँ मैं एक बैंगन का सब्जी नहीं तो एक गोभी का सब्जी बनाऊं. पर पहले मैं अपना दाल चढ़ा देती हूँ. मैं अभी मुझे जल्दी है तो मैं अपने इलेक्ट्रिक कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इससे लाइक अराउंड 10 मिनट्स में दाल हो जाएगा और फिर मैं उसमें सब वेजीज दूंगी, पीस, कॉर्न और कैरेट जैसे मैं बनाती हूँ. और ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है. तो व्हेन द ऑयल इज हॉट एट दैट टाइम फर्स्ट मैंने इसमें थोड़ा हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमन सीड्स, थोड़ा हींग और फिर मैंने हाफ अनियंस और 1 टमेटोज ऐड किया है. अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी मैं इसमें सारे चॉप्ड वेजीज ऐड कर दूंगी. और ये हम लोग मीडियम फ्लेम पे हम लोग को पकाना है. और अभी मैं इसमें अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप चाहे नो नीड टू ऐड. और सॉल्ट टू टेस्ट जो बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैंने दाल पे मैंने जब बॉईल किया है मैंने बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कभी कभी सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. तो मैंने जब दाल बॉयल किया था मैंने बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया था. और मेरे वेजीज अभी 50% तक हो चुके हैं तो अभी मैं इसमें थोड़ा रेड चिली पाउडर, फिर थोड़ा टर्मरिक पाउडर और ये मेरे पास दाल तड़का पाउडर है. मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून दाल तड़का पाउडर ऐड किया है. और ये आज मैं मूंग की दाल से बना रही हूँ. सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा खराब हो जाता है कभी कभी. और मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, नहीं तो ज्यादा ठीक हो रहा था. और फिर थोड़ा सॉल्ट ऐड करना है. और अभी अराउंड 5 मिनट्स तक हम लोगों को इसको अच्छी तरह से पकाना है. और एट द एंड आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता. बस हम लोगों का दाल रेडी है. तो अभी मैं एक गोभी की सब्जी बनाऊंगी और लास्ट मैंने थोड़ा कसूरी मेथी ऐड किया है पर ये ऑप्शनल है. तो गोभी के सब्जी के लिए पहले मैं थोड़ा गोभी को थोड़ा फ्राई कर लूंगी और मैंने आलू ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया है. मुझे ऐसा गोभी की सब्जी खाना अच्छा लगता है जिसमें हम लोग पहले से गोभी थोड़ा फ्राई कर ले. और फिर मैं इसमें हल्दी और नमक मैंने ऐड किया है. अभी हम लोग इसको कवर करके रख देंगे. और मेरा गोभी अच्छी तरह से पक चुका है और मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिया था बाद में क्योंकि आलू बॉयल है तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं. तो अभी सेम पैन में मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ और उसमें पहले मैं थोड़ा कलौंजी ऐड किया, फिर अभी मैं इसमें थोड़ा होल गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और फिर मैंने इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है एंड हाफ अनियंस और थोड़ा स्लाइस टमेटोज. ये अराउंड 1 टमेटो स्लाइस है.
तभी मैं एक पेस्ट ऐड कर दूंगी। तो ये पेस्ट मैंने जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर से बनाया है, और जिसमें मैंने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर यूज किया है। और फिर हम लोग इसमें गोभी ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, और कवर करके रख देंगे अराउंड 5 to 10 minutes, क्योंकि गोभी पहले से ही पका हुआ है। और देखिए ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और मैंने थोड़ा रेड चिलीज भी ऐड किया है। अभी मेरा सब्जी रेडी हो चुका है और अभी मुझे आटा गूंदना है और किचन भी साफ करना है। ये किचन का काम सच्ची हम लेडीज लोगों के लिए कभी खत्म ही नहीं होते, मुझे तो लगता है लाइक नेवर एंडिंग वर्क है। जो लोग मुझसे एग्री करते हैं जरूर कमेंट पे लिखिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि किचन का काम कभी खत्म ही नहीं होता है। तो चलिए मैं अभी आटा गूंद लेती हूँ और फिर मुझे किचन भी थोड़ा साफ करना है। सो अभी हम लोग लाइक मॉल जा रहे हैं, मुझे वो शू रिटर्न करना है एंड होपफुली वो लोग ले। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लाइक सब कुछ पैक वैक किया है। Lights out, hearts beating faster in a minute. I'm high on slow dancing with you. 1, 2, 3, keep it going, last forever. All blacked out, then flying with you. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about the heartache and pain, just don't let the memories fade. सो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और वो लोग ने तो देखा भी नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, सो आज संडे है और कल आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल वो टीवी पे रॉयल वेडिंग दिखा रहे थे तो हम लोग वो ही देख रहे थे, और देखते देखते बहुत ही लेट हो गया। तो फाइनली मैंने अपना शू चेंज कर लिया मैंने सेम प्रिंट का ही लिया है, क्योंकि मुझे वो प्रिंट बहुत ही ज्यादा पसंद था। और एक्चुअली मुझे पहले कुछ लेना ही नहीं था, मैंने मेरे हबी को भी बोला कि कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। इफ यू वांट यू कैन लाइक दे ऑलवेज रिटर्न बैक द मनी। तो फिर मेरे हबी बोल रहे थे नहीं नहीं ले लो, वो प्रिंट बहुत अच्छा था। तो मैंने सेम उसी प्रिंट का लिया है, पर ऐसा शू मेरे पास एक्चुअली दो और सेम लाइक दूसरे कलर में है, एक सिल्वर है और एक ब्लू है। पर मेरे हबी बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हारे पास यू डोंट हैव दिस प्रिंट, और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और ये शूज बहुत कंफर्टेबल है। लाइक ये मैं पहन चुकी हूँ तो ये सेफ है, ये बहुत 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 ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वो सैंडल की तरह लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत साल से पहन रही हूँ। तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी उठ गई, मुझे पता नहीं, मुझे लाइक संडे को मुझे उठने का मन ही नहीं करता है। कभी कभी मैं संडे को 9:30 नहीं तो कभी कभी मैं हम लोग 10 o'clock भी उठते हैं, पर मैं आज शायद मॉर्निंग में 7 o'clock पे उठ गई। पता नहीं, मुझे आज बहुत ही जोश था। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगर लाइक बारिश कमती हो जाए देन आई विल गो फॉर ए वॉक, पर वो तो हुआ ही नहीं। तो इस वीक जनरली एक वीडियो मेरा रेसिपीज का होता है, और मुझे पता है आप लोग लाइक मेनी ऑफ यू लव दैट रेसिपी वीडियो, क्योंकि लाइक यू ऑल सेम ही कि आप लोगों को बहुत हेल्प होता है और एक आइडिया भी मिलता है कि कोई कोई रेसिपीज हो सकते हैं सेम कॉमन हो, आपको पता हो, पर फिर भी कभी हम लोग को याद नहीं रहता है। सो आप लोग बहुत जन बोलते हैं कि ये सारे रेसिपीज के वीडियोज बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सॉरी, इस वीक तो मैं कोई भी रेसिपीज का वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ स्पेशली इस वीक को। तो
सैंडविच के लिए मैं थोड़ा अलग सोच रही हूँ, जैसे कि मैं अनियंस यानी प्याज और बेल पेपर में थोड़ा फ्राई कर लूंगी, लाइक बहुत ही कम तेल में, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए पर वो क्रंचीनेस भी रहे। तो आप देख ही सकते हैं मैंने पैन में कितना कम ऑयल लिया है, तो मैं अभी इसमें थोड़ा अनियंस और बेल पेपर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सॉल्ट, और हम लोग इसको सिर्फ सॉफ्ट करेंगे पर एक क्रंच जो है वो रहेगा। तो अभी ये पूरा रेडी है, हम लोग निकाल देंगे। राई हेल्प कर रही है अंडा छिलने में और मैं बोर हो गई हूँ, लाइक ब्राउन ब्रेड खाते खाते होल वीक, तो संडे के लिए जो मैंने एक व्हाइट ब्रेड, कभी कभी अच्छा लगता है व्हाइट ब्रेड, राइट, कितनों को कभी कभी व्हाइट ब्रेड अच्छा लगता है, लाइक ब्राउन ब्रेड भी अच्छा है पर कभी कभी बहुत ही बोरिंग लगता है सेम ब्राउन ब्रेड खाते खाते। और मेरा एक सैंडविच रेडी है और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है अंदर से। तो फाइनली अभी हम लोग का नाश्ता तो हो गया है और अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 o'clock ही हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि लंच में मैं राय के लिए स्पेशल बटर चिकन मसाला बनाऊँ, बट वो बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग सब बात कर रहे हैं इंडिया में। और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी बना खाना बना लूंगी, कभी भी नहीं होता है फैमिली से बात करने के बाद। फिर मेरे हबी ने बोला चलो अभी खेलते हैं, तो वही बैठ के अभी हम लोग ऊनो खेल रहे हैं। सो बटर चिकन बनाने के लिए पहले हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे, तो मैंने पैन पे मैंने यहाँ पे वन अनियंस और अराउंड 3 टमेटोज और फिर मैंने अराउंड 6 कैश्यूज ऐड किया है और फिर मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया है और इसको सॉफ्ट होने के लिए अभी हम लोग छोड़ देंगे। वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक मुझे सब कुछ ऐसा थोड़ा सॉफ्ट करना है और तब लाइक अनियंस थोड़ा बॉयल भी हो जाएंगे। और मैं देखती हूँ राय क्या कर रही है। मामा पर्चा वेरी गुड, देखो देखिए देखिए शो शो देखो व्हाट इज दिस वार्म इट्स गोइंग क्वेकर ही विल गो इनसाइड से गुरु 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 ही विल गो करो व्हाट आर द और पता नहीं राय और मेरे अभी क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ लेके एक ही जगह पे लगा रहे हैं। लाइक अभी मुझे और एक सेट खरीदना पड़ेगा, लाइक थोड़ा अलग तरफ का फ्लावर, लाइक मैरीगोल्ड तो येलो है तो मैं सोच रही हूँ कुछ दूसरा और कलरफुल फ्लावर्स खरीद लूँ, तो वो उसके बीच में लगाना पड़ेगा, यानी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा बाकी है। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, तो हम अभी हम लोग गैस ऑफ करके फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो बस अभी ये रेडी हो चुका है और अभी हम लोग इसको ठंडा होने देंगे और फिर इससे एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 750 ग्राम चिकन है, तो फर्स्ट मैं इसमें अराउंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ बटर ऐड कर रही हूँ, फिर 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर
और मैं हाफ टी स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। और रेड चिली पाउडर यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो अभी मैं इसमें मैंने फिर और ज्यादा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर अभी मैं इसमें 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर, और 1 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर मैंने ऐड किया है। और फिर मैं इसमें थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा क्रंच करके कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, लाइक ड्राई कसूरी मेथी। और मैं अभी इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 tablespoon ऑफ ऑयल। और अभी हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और अभी हम लोग वो पेस्ट ऐड करेंगे जो हम लोगों ने बनाया है। और फिर मैं इसमें अराउंड 1 cup ऑफ कर्ड ऐड कर रही हूँ, और राई को हेल्प करना था। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली मेरा बटर चिकन के लिए टोटली सब रेडी है। अगर आप चाहे तो इमीडिएटली कर सकते हैं, नहीं तो मैं 1/2 hour तक मैरिनेट करूंगी। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप डेफिनेटली 1 hour नहीं तो 2 hour तक मैरिनेट कर सकते हैं। और बस जस्ट टेक ए पॉट नहीं तो जिस पैन में आप बनाएंगे दैट मिक्सचर यू कैन मेक इन दैट पैन ओनली। पर मैं पहले पैन में मैं थोड़ा ऑयल दूंगी, देन आई एड लिटिल बिट ऑफ होल गरम मसाला एंड देन आई एड दिस मिक्सचर। और बस फिर हम लोग को स्लो फ्लेम पे बनाना है। और ये जैसा कि बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है बटर चिकन मसाला बनाने का, मैंने तो बहुत ही कम बटर ऐड किया है, पर लास्ट में मैं थोड़ा बटर ऐड करूंगी। और मैं क्रीम नहीं ऐड कर रही हूँ, लाइक क्रीम के बदले में यू कैन ऐड दिस 1/2 and 1/2। 1/2 and 1/2 में लाइक क्रीम तो बहुत ज्यादा थिक होता है और बहुत ज्यादा फैटनिंग होता है, पर 1/2 and 1/2 बहुत ही कम फैटनिंग होता है। लाइक हाँ, इसका फैट परसेंट बहुत कम है, और शायद इसमें कुछ इसमें तो सैचुरेटेड फैट है भी नहीं, ये फैट फ्री है, सॉरी ये फैट फ्री 1/2 and 1/2 है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और अभी मेरा हबी का और राय का गार्डनिंग भी खत्म हो गया है, पता नहीं क्या किया है वो लोग ने। प्लेन राइस है, प्लेन राइस, हाँ राय को प्लेन राइस खाना है, उसको बहुत पसंद है। वो हम लोग रजनी पे गए थे तब राय शी डिडंट लाइक एनीथिंग, लाइक वो शी लाइक्स ओनली घर का खाना, उसको बाहर का कुछ भी पसंद नहीं है। फर्स्ट इन स्टेनलेस स्टील पैन हियर मैंने अराउंड 1 tablespoon ऑफ ऑयल ऐड किया है, एंड इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली कुक इन ए नॉनस्टिक पैन। और फर्स्ट मैं इसमें अराउंड 2 to 3 बे लीव्स मैंने ऐड किया है, एंड देन आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ होल गरम मसाला। And now I will add the marinated chicken. हम लोगों ने जो चिकन मैरिनेट किया था वो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको लाइक द फ्लेम मीडियम टू लो पे रखना है, और ये डेफिनेटली होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कवर करके रख देंगे। और बीच बीच में हम लोग आके थोड़ा इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है वो नीचे चिपक जाता है। तो अभी अराउंड 20 मिनट्स हो चुका है, और आप देख सकते हैं मेरा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, और मसाला लाइक पूरा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अभी मैं इसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो आप हनी नहीं तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, और अभी मैं सब तेज पत्ता निकाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें 1/2 and 1/2 ऐड करूंगी, पर उससे पहले मैंने गैस ऑफ कर दिया है। डेफिनेटली आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये मेरा बटर चिकन रेडी है। पता है आप लोग बोलेंगे पायल बटर चिकन में तो बटर है ही नहीं, पता है बहुत ही कमती बटर है, पर इन हेल्दियर वे आई फील सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर डेफिनेटली आप चाहे तो आप बटर ऐड कर सकते हैं,
डेफिनेटली उससे और ज्यादा टेस्टी होगा, बट हाँ मैं थोड़ा रख देती हूँ। बट डेफिनेटली आप ऐसे ही खा सकते हैं और कलर तो इसका बहुत ही अच्छा आया है। और देखिए बहुत ही सिंपल, और मैं बोलूंगी दिस ऑल आर वन पॉट रेसिपी, लाइक दे दीजिए और देखने का भी जरूरत नहीं। हाँ इन द लाइक इन द मिडिल आके थोड़ा फिर मिक्स कर लीजिए, बिकॉज नहीं तो कभी कभी होता है कि नीचे लग जाता है, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट ओनली। और पूरा मैंने जैसे मीडियम टू लो पे मैंने पकाया है। और आप लोगों ने संडे क्या खाया है प्लीज कमेंट पे लिखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट लिखते हैं, और कितने सारे मुझे आइडियाज भी मिलते हैं आप लोगों के रेसिपीज से, लाइक डिशेस से क्या क्या आप लोगों ने खाया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से मेरा फ्राइड राइस रेडी हुआ है और बहुत ही सुंदर हुआ है, इसे आप लोग बोलते हैं खिला खिला हुआ है। और वेजीज भी कितने अच्छे लग रहे हैं, लाइक द कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है वेजीज का। और मेरा वेज फ्राइड राइस रेडी है, तो जब भी आप लोग वेज फ्राइड राइस बनाए लाइक कुछ भी मत दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वेजीज का भी खुद का एक स्मेल होता है तो वो आता है। और अभी मैंने ढककर के रख दिया है तो रेडी हो गया है। और मैंने आज इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मैंने थोड़ा ऑयल दिया है, फिर मैंने थोड़ा गरम मसाला पाउडर था वो मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, उसके बाद मैंने सारे वेजीज ऐड कर दिए। और फिर मैंने वेजीज को एक्चुअली ज्यादा पकाया भी नहीं है, थोड़ा लाइक एक क्रंच रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, नहीं तो अगर पूरा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो टेस्ट चला जाता है। और आप लोगों ने तो मैंने शेयर भी किया कि राइस कितना अच्छा खिला खिला जिसको बोलते हैं ऐसा हुआ है। और आज का ये स्पेशल मेनू राय के लिए, क्योंकि राय को बटर चिकन मसाला बहुत पसंद है पर मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, लाइक बहुत ही कम बनाती हूँ और वो होटल में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये था आज हम लोग का संडे का बहुत ही इजी और सिंपल लंच। और लंच खाने के बाद अभी तो मैंगो सीजन बहुत ही अच्छा, ये केसरी मैंगो है, केसर मैंगो बहुत अच्छा, राय को बहुत पसंद है तो वही मैं राय को मैंने दिया है। और मुझे भी थोड़ा खाना है पर अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अंदर जाके ही खाएंगे। और मुझे तो मैंगो ऐसा खाना ही पसंद है जैसे हम लोग बचपन में खाते थे, लाइक सभी मैंगो नहीं पर ये मैंगो परफेक्ट है ऐसा खाने के लिए। और संडे है यानी मुझे अभी बहुत सारा कपड़ा प्रेस करना है, और राय मेरी बहुत मदद करती है। मेनी ऑफ यू गिव मी आस्किंग कि राय हेल्प करती है कि नहीं, सो डेफिनेटली वो हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पे शी नोज दैट वी डोंट हैव एनी हेल्प। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप सो कि आपको मेरा ये वीकेंड ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय।